एक हो गए हम और तुम। नहीं 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 नहीं, अरे यार ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे अगले कंटेस्टेंट्स ने क्वार्टर फाइनल्स में गाया था, कोलकाता के हार्ड रॉकर्स एआर रहमान के गानों को रॉक वर्जन में बजाते हैं। ऑडिशंस में इन्होंने उर्वशी को लाइन मारी और क्वार्टर फाइनल्स में सोनाली जी को फूल दिया, और आज रुक्मणी से पूछ रहे हैं शादी के बाद क्या क्या हुआ। अंडरग्राउंड अथॉरिटी, आई लव दैट। क्वार्टर फाइनल्स में जजेस कमेंट्स हमको कुछ कंफ्यूजिंग लगा। साजिद जी और किरण जी ने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड है, लेकिन हम एक रैप रॉक बैंड है और इसलिए हम अपने गानों में रैप करते हैं। जब किरण और साजिद ने उनको क्रिटिसाइज किया था, मुझे याद है मैं सलमान से कह रही थी प्लीज डोंट क्रिटिसाइज, इनको वोट नहीं मिलेंगे प्लीज। अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने जो लेवल क्रिएट किया है अपने लिए, उसको कैसे हम एक्सीड कर सके। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करे जिससे क्राउड हिल जाए और ऐसा लगे कि एक रॉक कॉन्सर्ट में देख रहा हूँ। अंडरग्राउंड अथॉरिटी शुड विन, क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेशन शायद कभी नहीं इंडियन टेलीविजन में हुआ हो। You guys are rock stars. Thank you. अब देखते हैं जजेस क्या कहते हैं इसके बारे में। सोनाली जी। Wow! Thank you, ma'am. It was fantastic. I loved it. Truly rock stars. Thank you so much, ma'am. साजिद भाई, आपको क्या कहना है? बकवास। बेहद बकवास। तुम लोगों की आज की परफॉर्मेंस के सामने दूसरे रॉक बैंड्स बेहद बकवास है। थैंक यू सो मच सर। आप क्या कहते हैं किरण जी? आज आप सबने एक साथ आकर कमाल का हुनर दिखाया है। यू गाइज रियली रॉक्ड इट टुडे। इट वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। वेल डन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।
अंडरग्राउंड अथॉरिटी के लिए वोट कीजिए, एसएमएस कीजिए यूए और भेज दीजिए 5682 पर, दैट इज यूए टू 5682, वोट नाउ। अंडरग्राउंड अथॉरिटी, आपके इरादों में है चमक, आप इसी तरह चमकते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द वोट।